दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। पांडा साहिब कांग्रेस मंडल के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कोविड 19 पर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन को घेरते हुए विफल रहने के आरोप जड़े हैं। पांडा साहिब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना महामारी चरम पर है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक मान चुके हैं कि हम कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं, बावजूद इसके बचाव के कोई खास प्रबंध नहीं है। जिला सिरमौर में वेंटिलेटर शोपीस बनकर रह गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पांडा साहिब प्रशासन कोरोना के दौर में पूरी तरह से विफल रहा है। पांडा साहिब में कई पुलिसकर्मी, वन विभाग के कर्मी, डॉक्टर और अन्य स्टाफ व बैंक कर्मचारी तक कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही कोरोना कम्युनिटी बढ़ रहा है और भाजपा के मंत्री कार्यक्रम कर रहे हैं। आम आदमी का अस्पताल में उपचार नहीं हो रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि अस्पताल में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को किटें मुहैया करवाई जाएं। सब आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आज जो चर्चा आपके साथ करने के लिए यहाँ आपके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ वो कोविड 19 का जो प्रकोप पोंटा में बढ़ रहा है मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ। पोंटा में कोरोना नहीं था, कोरोना वैसे तो भारत में ही नहीं था। अगर समय से एयरपोर्ट बंद कर दिए गए होते तो भारत में कोरोना नहीं होना था, लेकिन चलो अब जो सेंटर सरकार कर गई वो कर गई। अब पोंटा में भी भाजपा की गलत नीतियों के कारण यहाँ कोरोना फैला है। चलो अब जब फैल ही गया है, अब सरकार ने भी मान लिया है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। सरकार का हमारे जो मंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनके स्टेटमेंट आ गई है कि हिमाचल उसकी ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब फैल गया है। कई मौतें हो चुकी है, जवान लड़के मर गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोंटा हॉस्पिटल में भी एक वेंटिलेटर है वो आज तक चालू नहीं है। मेडिकल कॉलेज नाहन में लगभग 20 से 25 वेंटिलेटर हैं, इन्होंने आज तक चालू नहीं किए। IGMC में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक आदेश है कि सिर्फ शिमला के ही कोविड के जो केसेज हैं उनको लिया जाएगा, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? सरकार ने हमारे पोंटा के लोगों के लिए क्या किया है? जो हमारे सीरियस लोग इलाज के अभाव में मर रहे हैं वो किसके सहारे हैं? ये भाजपा कहाँ सो रही है? माननीय सुखराम जी जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि वेंटिलेटर पोंटा हॉस्पिटल में और आपके नाहन हॉस्पिटल में मौजूद हैं, उनको चालू नहीं किया गया है। आज एक स्वास्थ्य मंत्री की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि हमारे पास लगभग 500 वेंटिलेटर हैं जिनमें से हम 350 ही वेंटिलेटर चालू कर पाए हैं। तो सरकार कर क्या रही है, किस चीज़ का इंतजार है? महामारी फैली हुई है जो वैश्विक महामारी है, आप मान रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और आप उसके बावजूद भी आप इलाज नहीं दे रहे हो। हॉस्पिटल बनाया गया है वो सराहा का हॉस्पिटल है और वो भी उनके लिए है जिनको सिम्टम है, हल्का फुल्का है। जो नगेता वाले लड़के को अगर टाइमली उसको ट्रीटमेंट मिली होती वो लड़का बच सकता था। अगर वेंटिलेटर नहान में चल रहे होते, कि आज पोंटा में हालात क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ कोई भी मरीज सिंपल कोई बुखार का या किसी भी प्रकार का कोई पेशेंट आता है तो कोई उसको ट्रीटमेंट नहीं है। 10 फुट दूर से ही उसको बिना कोई बीपी, ना कोई बीपी चेक करता है ना कोई कुछ चेक करता है, उसको बाहर से आप जाइए रेफर कर दिया नहान जाइए। नहान वाला कोई देखता नहीं है, कई बार तो गाड़ी को पेशेंट को गाड़ी से भी नहीं उतारते और उसको ऐसे ही रेफर कर देते हैं। गरीब आदमी के लिए आज स्थिति बहुत गंभीर है। मेरा सरकार से निवेदन है, ये मांग है कि डॉक्टरों को किटें दी जाएं, जो दूसरा स्टाफ है इसको किट दी जाए जिससे हमारे गरीब लोगों का इलाज हो सके। हमारे जो गरीब ये कोरोना से और यहाँ वायरल बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है, ना उनके पास कोई दवाई है ना उनके पास कोई साधन है। मेरा सरकार से पुरजोर मांग है कि ये लोगों, ये डॉक्टरों को किट दी जाए, उनको इक्विपमेंट्स दी जाए। पोंटा हॉस्पिटल में श्रुति गुप्ता कोरोना पॉजिटिव है, जो लेडीज स्पेशलिस्ट बोलते हैं, जो महिला रोग विशेषज्ञ है। दूसरे डॉक्टर और स्टाफ कई लोग कोरोना पॉजिटिव है। पोंटा थाना पॉजिटिव है, पोंटा थाने के कई पुलिसकर्मी पॉजिटिव हैं, DFO ऑफिस में कई लोग पॉजिटिव। ऐसे में इलाज कहाँ हो रहा है? इसका इलाज तो कहीं है नहीं। पहले वार्ड को सील करते थे, फिर कॉलोनी सील करने लगे, अब घर में ही क्वारंटाइन कर रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा जब बड़ी संख्या में हो जाती है सबको इंस्टीट्यूशन में क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो कर रहे हैं उन जो गरीब आदमी किसी को अपने घर में सील कर दिया है उसके उसके राशन का, उसकी दवाई का कोई तो प्रबंध करे। सरकार प्रशासन, पोंटा प्रशासन पूर्णतः फेल हो चुका है।
प्रशासन ने इस बीमारी के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मेरी सरकार से डिमांड है कि पांवटा के गरीब लोगों को बचाया जाए, जो गरीब दूर दराज से यहाँ लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं उनको इलाज किया जाए, उनको इसके बचने के तरीके बताए जाएं, डॉक्टरों को इक्विपमेंट दिए जाए, किट दी जाए, जो स्टाफ है वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ है उसको पीपी किट दी जाए, जिससे वो लोगों को कम से कम ट्रीटमेंट तो दे सकें। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल में 6 माह बाद मंदिर खुल रहे हैं। इस पावन अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों को बर्व बायोजेनेसिस प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब सिरमौर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। माँ बाला सुंदरी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। सभी भक्तों से आग्रह है कि वे सामाजिक दूरी में माँ के दर्शन करें। हम कामना करते हैं कि माँ बाला सुंदरी की कृपा से शीघ्र कोरोना जैसी महामारी का खात्मा होगा।